नाम महात्म्य। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अजामिल उपाख्यान को श्रवण करेंगे। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, बड़े तेजस्वी अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अजामिल लौट रहा था तो एक वेश्या को देखा, तो अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। फिर अजामिल की वृत्ति बदल गई, अजामिल चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। तो सब लोग डाकू अजामिल के नाम से उसे जानने लगे। लेकिन संत संग में ताकत बहुत होती है, सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। एक दिन अजामिल के घर संतों का आगमन होता है, तो अजामिल की जो पत्नी है उस वेश्या ने उन संतों को भोजन की सामग्री दी। संतों ने भोजन प्रसाद पाया और अजामिल के घर के आंगन में बैठकर विश्राम करने लगे। जैसे ही सुबह हो गई, संत जाने लगे। तब संत के मन में विचार आया कि हमने अजामिल का अन्न खाया है, इसको कुछ तो आशीर्वाद देना चाहिए। तो संतों ने अजामिल की पत्नी को कहा कि आपका उद्धार हो जाएगा। और संतों ने देखा कि अजामिल की पत्नी गर्भवती है, तो संतों ने कहा कि तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। तो अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब नारायण नाम से हुआ क्या, जब भी इसे अपने बेटे को याद करना होता तो ये हर बार एक जोर से कहा कि अरे नारायण, अरे नारायण ए लाओ, अरे नारायण पानी लाओ, अरे नारायण इधर आओ। और भगवत कृपा ऐसी हो गई कि नारायण नारायण करते करते इसके हृदय में नाम भगवान की कृपा होने लगी। इसे शास्त्र की भाषा में नामाभास कहते हैं। नामाभास का मतलब आप किसी को भी पुकारे, लेकिन भगवत स्वभाव ऐसा है कि जब भी उसका नाम लिया जाता है, भले नाम को कैसे भी ले लो, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, प्रेम से, लेकिन नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। ब्रज में बड़ा सुंदर स्थान है बरसाना, जहाँ कृष्ण प्रिया राधा रानी का निवास है। तो बरसाने में एक दिन एक पति पत्नी दर्शन के लिए आ जाते हैं। अब दर्शन करते करते वो पत्नी गुम हो जाती है। वो जो पति था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे किशोरी, हे किशोरी। तो राधा रानी का एक नाम किशोरी है, तो जैसे ही हे किशोरी सुना तो राधा रानी सचेत हो गई और कहने लगी, चलो चलो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। तो सखियों ने कहा, राधा रानी ये आपको नहीं पुकार रहा, इसकी पत्नी खो गई है, उसका नाम किशोरी है, अपनी पत्नी को ये पुकार रहा है। लेकिन राधा रानी ने कहा, भले ही किसे पुकारे, मैं तो बस इतना जानती हूँ मेरा नाम किशोरी है
और जो मेरा नाम पुकारेगा मैं उसके पास चली जाऊंगी। तुरंत राधा रानी उस आदमी के पास पहुंची, ऐसी कृपा की कि वो आए थे एक साधारण पुरुष के रूप में, किंतु राधा रानी की ऐसी कृपा हुई वो सदा के लिए बरसाना में बस गए और बरसाने के बहुत बड़े संत बन गए। ललित लाडली जी, इनके पद का आज भी वृंदावन में, बरसाने में, पूरे ब्रज में गान किया जाता है। आप कोई भी नाम पुकारो, भगवान उसी नाम को अपना नाम समझ के आ जाएंगे। कृष्ण कहो, गोविंद कहो, श्री राम कहो, विठ्ठल कहो, पांडुरंग कहो। अजामिल ने पुत्र को नारायण नारायण पुकारा और अंत समय में जब प्राण संकट में आए, यमदूत ले जाने लगे, तो यमदूत का रूप देखकर अजामिल डर गया और कहा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। नारायण कहते ही भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के पार्षद और यमदूत आपस में वार्तालाप करने लगे, तब भगवान के पार्षद ने कहा कि मनुष्य जीवन भर भजन करता है लेकिन अंत समय में भगवान का नाम उसके मुख में नहीं आता, किंतु अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये पूजनीय है, इसको वैकुंठ धाम ले जाना हमारा कर्तव्य है। अब अजामिल ये सब सुन रहा था तो उसके मन में विचार आ गया कि जीवन भर मैंने चोरी की, डाका डाला, जब बिना भाव के नाम लेने से ये लाभ होता है तो सोचो भाव से नाम लेंगे तो कितना लाभ होगा। और फिर अजामिल भगवान का भाव से नाम लेने लगा, नारायण 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 कहने लगा, तो अजामिल का उद्धार हो गया और भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। इसलिए प्यारे श्रोताओं, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का जाप कीजिए, जीवन सुधर जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। जो भगवान का नाम लेता है चाहे कैसे भी लो, उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। यही भगवान के नाम की महिमा है। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।